हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम रहस्यों, कहानियों और अलौकिक शक्तियों की दुनिया में आपको ले जाते हैं। आज हम बंगाल की एक रहस्यमय क्रीचर शकचुन्नी की कहानी जानेंगे। शकचुन्नी शब्द संस्कृत के शंख चूर्णी से आया है। इसे अक्सर एक ऐसी विवाहित औरत की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है जो शंख से बनी चूड़ियां पहनती है, जिन्हें बंगाली में शंख कहते हैं। ये चूड़ियां बंगाल में सुहागिन औरतों का प्रतीक मानी जाती हैं। बांग्लादेश और कभी कभी भारत में शकचुन्नी पेड़ों पर रहती है और जो लोग उन्हें परेशान करते हैं उन पर हमला करती है। कहते हैं कि वह अमर हैं और उन्हें केवल शर्मनाक रिचुअल से ही भगाया जा सकता है। शकचुन्नी की कहानी एक ऐसी जवान औरत की जिंदगी से शुरू होती है जिसने एक अमीर आदमी से शादी की थी। दुर्भाग्य से उसकी शादीशुदा जिंदगी उसके पति की क्रूरता और अत्याचार से भर गई, जिसके कारण उसकी असमय मृत्यु हो गई। एक ताकतवर आत्मा बनकर लौटते हुए शकचुन्नी ने अपने पूर्व पति को सताना शुरू कर दिया। अपनी शादीशुदा जिंदगी की कठिनाइयों को देखते हुए वह एक प्यार करने वाले साथी की चाहत रखती थी, इसलिए वह खुशहाल शादीशुदा औरतों को अपना निशाना बनाती थी और उनके दुख के बीच उनकी पहचान बदलकर खुशी का भ्रम पैदा करती थी। लेकिन इस रहस्यमय प्राणी के पीछे क्या राज छुपा है? क्या शकचुन्नी सचमुच एक बुरी आत्मा है या उसके कार्यों का कोई गहरा मतलब है? हमारे साथ जुड़े रहिए और शकचुन्नी के रहस्यों को उजागर करते हुए इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं। अगले एपिसोड में हम शकचुन्नी की उत्पत्ति और कहानियों के बारे में और जानेंगे। हमारे अलौकिक सफर के किसी भी एपिसोड को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना न भूलें। तब तक याद रखें, यह दुनिया अजूबों से भरी है जिन्हें खोजा जाना बाकी है।